सो गाइज वेलकम बैक टू अमित के सॉल्यूशन चैनल। मैं हूं अमित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया प्रोडक्ट जिसके बारे में कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये है प्रेशर वॉशर गेज किट, आप देख सकते हैं 3x8 है ये, क्विक कपलिंग सॉकेट के साथ आता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद इसको मैं रन करके दिखाऊँ। देख सकते हैं 6000 PSI तक ये सपोर्ट करता है, ठीक है। ये प्रेशर वॉशर गेज किट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x8 ये आपका जो गन के नीचे के साइड फिट हो सकता है या फिर आपके प्रेशर वॉशर के जहाँ पर हॉस पाइप आप लगाते हैं वहाँ पे इस थ्रेड को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और इसके अंदर ग्लिसरीन है तो, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, हैवी ड्यूटी है। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और इसको आने में लगभग मुझे 20 से 25 दिन लग गए, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में इसका मैं प्राइस भी बताऊंगा, आप उसको मेरे लिंक पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे प्रेशर वॉशर है जिसकी वजह से मैं इसे मंगाया हूँ, क्योंकि उसमें एक्चुअल प्रेशर नहीं बता पाता है। तो इस प्रेशर गेज की मदद से मैं सारे का प्रेशर जो है एक्चुअल पता कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे मंगाया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं वाले हैं वेंट्रो प्रेशर वॉशर के साथ क्या एक्चुअल प्रेशर आता है इसमें जो शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रेशर गेज में लगा के चेक करेंगे। तो अभी मैंने 40 डिग्री का लगाया नोज़ल, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं और अभी आ रहा है लगभग 125 बार 120 बार के करीब में, ठीक है। अब प्रेशर गेज लगा कर चेक करते हैं, गन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रेशर गेज को। तो प्रेशर गेज को लगाना काफ़ी इजी है, आप देख सकते हैं एक थ्रेड जो है हॉस पाइप का वो हमने यहाँ लगा दिया और दूसरा जो थ्रेड है उसको 3x8 का उसको हम लगाएंगे अब इसमें। तो ये आपका ऐसे कनेक्ट हो जाएगा बीच में, ठीक है। ये हॉस पाइप है और ये गन है, दोनों के बीच में ये प्रेशर गेज फिट हो गया। अब इसको यूज़ करके देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं गन को यहाँ पर अटैच किया है मैंने इसमें प्रेशर गेज, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री का नोज़ल लगाया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मशीन का प्रेशर गेज, ठीक है। तो अब हम तीनों को मेज़र करके देखते हैं एक्चुअल प्रेशर। तो स्टार्ट कीजिए, इसमें जो आप देख रहे हैं वो लगभग 120 बार के करीब दिखा रहा है और वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200 PSI के करीब है, लगभग 80 बार। और ये प्रेशर है, प्रेशर आप देख सकते हैं ये पूरा फुल पे है, ठीक है। इसको कम करते हैं, देखिए अब उसमें भी कम हो रहा है और यहाँ पे भी कम हो रहा है। ये देखिए इसमें भी कम हो गया, यहाँ पे भी कम हो गया और प्रेशर भी कम हो गया, ठीक है। अभी हम इसमें ट्राई करेंगे, ये देखिए अभी ये बढ़ रहा है, ये फुल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये जो प्रेशर गेज है वो भी देख सकते हैं हम 1200 PSI तक जा रहा है। और वहीं मैं आपको इसका जो प्रेशर है वो भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं प्रेशर बढ़िया है, बट जो एक्चुअल प्रेशर है वो लगभग 80 बार है, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक बार फिर से आप देखिए ये 1200 PSI तक जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसमें टिप नोज़ल जो है वो चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने ये जो टिप नोज़ल है 25 डिग्री का वो लगाया है, अब चेक करते हैं दोनों का एक्चुअल प्रेशर। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं ये 110 115 के करीब आ रहा है और ये देख सकते हैं थोड़ा सा कम हो गया है, PSI 1100 PSI तक आ रहा है। ये टिप नोज़ल है 25 डिग्री, तो ये तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसका जो है PSI कम हो गया जब हमने 25 डिग्री का प्रेशर जो नोज़ल है वो लगाया,
क्योंकि जो 45 डिग्री का है उसका जो होल होता है साइज वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा निकलता है और इसलिए प्रेशर भी अच्छा शो हो रहा था। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका वॉशिंग सेंटर का बिज़नेस है या फिर कार वॉशर से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं, क्वेरीज हैं, तो हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उसमें जुड़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहते हैं, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसका यूजेस, ठीक है। अगर आपको भी ये परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसकी प्राइस और बाकी डिटेल्स जो भी है, ठीक है। तो ये 6000 PSI तक सपोर्ट करता है, तो आपका अगर AR का प्रेशर वॉशर है या डोमेस्टिक प्रेशर वॉशर है सभी में ये फिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कैसे इसे कनेक्ट करना है, काफ़ी आसान है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।